अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कोरमा। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज का पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे दो अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही हम लहसुन के 3 से 4 जवे लेंगे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे। सब चीज़ों को हम एक ब्लेंडर जग में डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट अलग से भी बना सकती हैं, लेकिन आपने फ्रेश पेस्ट ही यूज़ करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसका हम अच्छे से पेस्ट बनाकर इसको साइड पर रखेंगे। फ्रेश पेस्ट आपने बनाना है। ये पेस्ट हमारा तैयार है, इसे हम साइड पर रखेंगे। अब हम कोकोनट और बादाम का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें सूखा हुआ नारियल का पाउडर, या फिर आप नारियल जो सूखा हुआ मिलता है वो भी आप ले सकती हैं, 1 इंच का टुकड़ा। और यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ वो पाउडर है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। और इसमें 3 टेबलस्पून दूध डालकर मैंने साइड पे रखा हुआ है। 1 कप हम उबले हुए बादाम लेंगे, छीलकर इसे यूज़ करेंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ब्लेंडर जग में डाला है। साथ ही मैंने नारियल इसमें शामिल किया है। और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको नारियल का जायका पसंद नहीं है तो आप नारियल को स्किप भी कर सकती हैं, आप सिर्फ बादाम का पेस्ट बना लें। ये हमारा पेस्ट तैयार है, अब हम इसे साइड पर रखेंगे। एक बर्तन में हम घी गर्म करेंगे, आधा कप। घी या ऑयल जो भी आप लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। अब हम इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे तोड़ के। काली मिर्च साबुत हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा हम शामिल करेंगे। बड़ी इलायची 1 अदद हम शामिल करेंगे। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज के पेस्ट को आपने भूनना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए, लेकिन इसका आपने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। बस आपने इसको इतना भूनना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। बीच बीच में आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि जो प्याज है वो नीचे ना लगे। प्याज का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 अदद मैं यहाँ पे चिकन ले रही हूँ, जिसके मैंने 8 अदद पीसेस कट कर लिए हैं। थोड़े से बड़े पीसेस हैं ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और चिकन को हम भूनेंगे। चिकन को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है। ये आप देख सकती हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, मगर स्टिल अभी वाइट ही है, इसे हमने गोल्डन नहीं करना। मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है, मीडियम टू हाई हीट पर हमने इसे कुक करना है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अच्छी क्वालिटी का मीठा दही आप लें। तकरीबन 1 कप मैं यहाँ पर इसमें दही ऐड करूँगी, जिससे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। नमक आप हसबे जायका ऐड कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसी स्टेज पर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमें सबसे पहले सफ़ेद मिर्च पाउडर चाहिए। जिस तरह काली मिर्च का पाउडर होता है, इस तरह सफ़ेद मिर्च का भी पाउडर होता है। ये 1 खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे। धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे 1/2 खाने का चम्मच। और हरी मिर्चों का पेस्ट हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। सॉल्ट आप एडजस्ट कर सकती हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और हमने इसे कवर नहीं करना, ऐसे ही भूनना है। अब हम इसमें जो बादाम का पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल करेंगे।
बादाम को आप सारी रात के लिए भिगो कर रख दें तो सुबह इसका पेस्ट बनाना आसान हो जाएगा। सारी रात आप भिगो के रख दें या 3 से 4 घंटे भिगो के रख दें और सुबह आप इसे उबाल कर इसके छिलके उतार कर इसे आप अच्छे से इसका पेस्ट बना सकती हैं। अब हम इसे भूनेंगे। ढककर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पर। 20 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकती हैं कि ये अच्छे से कुक हो गया है। इसको आपने अच्छे से भूनना है ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। थोड़ा समय से मज़ीद पकाऊंगी। ये आप देख सकती हैं इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। इसमें जो साबुत मसाले मैंने ऐड किए थे वो अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर निकाल सकती हैं। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही हमने ऐड करना है। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसमें पानी मत ऐड करें। तकरीबन 1 कप हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। जायफल का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून और इसे ढककर हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच आपने कर लेनी है। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें 1/2 कप घी गरम करेंगे। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्चें फ्राई करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको पसंद हो तो आप फ्राई कर लें। मैं यहाँ पे तकरीबन 5 अदद मिर्चें ले रही हूँ। मिर्चों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे और जो ये तड़का है ये हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। ये तड़का मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसमें ब्लांच किए हुए बादाम ऐड करेंगे। जो आधे हमने छोड़ के रखे हुए थे तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़े से मैंने बचा के रखे हुए थे। और बारीक कटी हुई अदरक हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए लो आंच पर पकाएंगे। आंच हल्की होनी चाहिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो इसकी हीट है वो यानी कि चूल्हा है वो हम बंद कर देंगे और इसमें हम 1 टीस्पून केवड़ा वाटर शामिल करके इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये कोरमा हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। याद रखें कि अगर आपको इसमें ग्रेवी नहीं पसंद तो आप इसको मज़ीद पका सकती हैं, मज़ीद कुक कर सकती हैं, लेकिन एंड में जब आप इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगी तो उस वक्त आपने चूल्हा बंद कर लेना है। तो ये हमारा वाइट कोरमा तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।